हाय एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे वेलकम बैक इन द न्यूमेरिकल स्टेटिक मेथड लेक्चर सीरीज तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस सीडल मेथड पिछले की जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ाया था अभी आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस सीडल मेथड उसी चैप्टर का एक ये सेकेंड मेथड है मेथड ghost... saddle... saddle... ये तो ये मेथड बहुत ही आसान है दोस्तों इसको करना बहुत ही आसान है थोड़ा सा शायद ये अगर दो तीन आइट्रेशन इसमें पर निकालने बोलते तो शायद आपका दो पेज तक ये क्वेश्चन चला जाए पर बहुत ही आसान है बहुत ही मज़ा आने वाला है एकदम इजी मेथड है पूरा मुझे तो करने में बहुत मज़ा आती थी तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं तो चलिए इसका मैथडे सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू थर्टी टू ये किस ये किस तरीके से आपको दिया रहेगा आपको दिया रहेगा यहाँ पर कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय गो सेडल मैथड तो इस तरीके से आपको करना रहेगा फिर टू एक्स प्लस सेवनटीन वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू थर्टी फाइ एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी एट और दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स ज़रूर मिल जाएंगी पूरे चैप्टर की पूरे चैप्टर की नोट्स आप मैंने अपलोड कर दिया वहाँ से आपको मिल जाएगी तो चलिए अब देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है सबसे पहले हम पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या दिया है वो हम पूरी पूरी वैसे लिखेंगे ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड इज इक्ल टू थर्टी टू इतना लिखे अभी हमको पहली क्वेश्चन से हमको एक्स फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू फिर ये जो दिया लास्ट में थर्टी टू ये लिखेंगे थर्टी इसमें से माइनस करेंगे थर्टी टू माइनस वाई अभी हमको एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स फाइंड आउट करना है ना इसमें तो अभी हमको सबसे पहले वाई वाई की वैल्यू माइनस कर देंगे जो हम लास्ट में दिया है वो उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे फोर वाई हाँ फिर प्लस जेड अपॉन अभी इसमें अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स के साथ जो दिया था वो लिखेंगे ट्वेंटी एट समझ में रहे ये अपॉन में क्या आएगा जिसकी वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करें फर्स्ट इक्वेशन इसमें एक्स निकालेंगे इसमें वाई निकालेंगे इसमें जेड निकालेंगे तो अभी जिसकी इक्वेशन जब अभी इसमें एक्स निकाले तो इसमें हम वो नीचे रहेगा इसमें वाई निकालेंगे तो फोर की वैल्यू नीचे रहेगी समझ रहे ना फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब थर्ड इक्वेशन से हमको जेड मिलेगा ये इक्वेशन नंबर वन होगी ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर वन इसमें क्या करें एक्स इज इक्वल टू तो थर्टी टू थर्टी टू क्यों लिए क्योंकि लास्ट में हमको थर्टी टू या होता है इज इक्वल टू थर्टी टू माइनस फोर वाई फोर वाई माइनस जेड ये अपॉन ट्वेंटी एट ये क्वेश्चन समझ में गया किस तरीके से बनी है फिर सेकंड देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी टू अभी हम ये लिखते हैं टू एक्स प्लस सेवनटीन वाई प्लस फोर जेड इज टू थर्टी अब इसमें हम वाई निकालेंगे वाई इज इक्ल टू फिर क्या है दिया है वाई थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव माइनस फिर इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए टू एक्स दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू थर्टी फाइव माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स फिर यहाँ पे प्लस दिया था पर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस फोर जेड ये जेड यहाँ पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि हमने पहले इसकी ले लिए ना ये इसको बीच में छोड़ दिए तो पे ये माइनस हो जाएगा और फिर अपन में हम किसके वाई निकाल दे। तो, तो नीचे आ जाएगा वाई वाई के वेलू के वेलू के 17, तो की वैल्यू की वैल्यू कितनी है सेवनटीन तो सेवनटी नीचे आ गया आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा फिर थर्ड देखते हैं थर्डी क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगी तो देन अभी हम देखेंगे कि थर्डी क्वेश्चन किस तरीके से हमारी बनेगी तो थर्डी क्वेश्चन बनाने के लिए अभी देखिए क्या दिया एक्स प्लस वाई सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अभी इसमें हमको जेड लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी जेड की वैल्यू नहीं है ट्वेंटी एट नहीं सॉरी जेड इज इक्वल टू हाँ सही जा रहे हैं हम अब लास्ट में हमको ट्वेंटी एट तो है जेड के वैल्यू तो टेन है जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी लास्ट के वैल्यू से माइनस करते हैं ट्वेंटी एट माइनस फिर अभी हम क्या करेंगे ट्वेंटी एट माइनस एक्स कुछ नहीं है तो इसके वैल्यू हम व, वन समझेंगे फिर यहाँ पर माइनस थ्री वाई यहाँ पर माइनस करेंगे ना माइनस थ्री हाँ ये थ्री वाई है माइनस थ्री वाई अ फिर जो जेड की वैल्यू जो रहती है जो हम लेते हैं उसको क्या करते हैं उसको अपॉइंट में डाल देते हैं तो इसको हम अपॉइंट में डाल दें ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करें जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी एट जो भी हमको लास्ट में दे रहे थे उसे माइनस करते हैं ट्वेंटी एट माइनस एक्स हाँ फिर माइनस थ्री वाई थ्री वाई की वैल्यू थ्री दीती है इस अभी इसको जेड मिलेगा तो अभी इसको हम फर्स्ट एइटरेशन चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एटरेशन किस तरीके से निकालना है यहाँ से हम फर्स्ट एटरेशन निकालेंगे फर्स्ट आर्टेरेशन निकालेंगे तो अभी देखिए हमको अभी हमको हमारे पास तो वैल्यूज़ तो है नहीं तो अभी हम यहाँ पे एक्स वन निकालेंगे तो सब्सटीट्यूट वाई इज इक्वल टू वाई की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे एंड जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन अब वाई और जेड की वैल्यू जो हम डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्स मिलेगा और जब हम एक्स और जेड की वैल्यू डालेंगे तो वाई मिलेगा हाँ समझ रहे हैं आप वाई जेड डालेंगे तो एक्स मिलेगा और एक्स और वाई डालेंगे तो जेड मिलेगा मतलब दो डालेंगे तो हमको जो तीसरा जो बाकी रहेगा वो हमको मिलेगा तो अभी हमारे पास अभी हमको वैल्यू तो मालूम नहीं है वाई की और जेड की तो हम ये जो हमारी इक्वेशन है ये इसी इक्वेशन में हमको वैल्यू डालनी है मतलब एक्स के इक्वेशन में अभी हमको एक्स निकालना है तो एक्स एक्स इज इक्वल टू तो ये वाली इक्वेशन में हम वाई वाई इक्वल टू जीरो जेड इजल टू जीरो डालेंगे तो चलिए अब डालते हैं फर्स्ट आटेरेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वन इज इक्वल टू हूँ फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है थर्टी टू माइनस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे थर्टी टू माइनस फिर क्या है फोर वाई की वैल्यू कितनी डालनी है देखिए यहाँ पे फोर के बाद वाई है वाई की वैल्यू कितनी है जीरो दी हुई है तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे प्लस जेड जेड कितना दिया भाई जेड भी हमको जीरो पुट करना है तो जेड भी जीरो पुट कर देंगे अपॉन कितना है अपॉन ट्वेंटी एट है इसे में पुट कर दिया हमने तो कितना आएगा थर्टी टू फ़ोर जीरो ज़ीरो हो जाएगा हाँ एनी थिंग मल्टीप्लाई ज़ीरो जीरो प्लस जीरो तो दैट मीन यहाँ पे थर्टी टू आएगा थर्टी टू अपॉन ट्वेंटी एट इसको हम अगर कट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वन पॉइंट वन फोर टू ये हमारी एक्स वन की वैल्यू आई है वन पॉइंट वन फोर टू ये हमारी एक्स वन की वैल्यू आई है एक्स वन मतलब फर्स्ट आइटरेशन का एक्स अभी हम वाई वन इसी तरीके से हम वाई वन भी निकालेंगे तो चलिए वाई वन निकालते हैं अभी हम अभी आपको बताता हैं अभी वाई वन निकालना है तो अभी हम क्या करेंगे सब सब्सटीट्यूट पहले लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फोर टू ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई तो अब यही वाला पुट करेंगे एक्स पॉइंट वन एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फोर टू एंड अभी जेड की वैल्यू नहीं मिली है तो जेड जीरो ही डालेंगे एंड जेड इज इक्वल टू तो ज़ीरो इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से हमको वाई मिलेगा देखते वाई ये तो सेकंड इक्वेशन है तो इन इक्वेशन टू इन इक्वेशन टू यानी सेकेंड इक्वेशन से हमको वाई मिल रहा है तो हम इक्वेशन टू से वाई निकालेंगे दैन चलिए अब सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं क्या दिया है वाई इज वाई वन इज इक्वल टू थर्टी फाइफ माइनस टू एक्स के वैल्यू कितना दिए हुआ है तो वन पॉइंट वन फोर टू माइनस फोर जेड कितना दिया है जेड हमको जीरो ही पुट करना है तो जेड ज़ीरो ही पुट कर देंगे अपॉन कितना दिया हुआ है हमारे पास सेवनटीन अपॉन सेवेंटीन है ना सेकंड इक्वेशन में ठीक है सब ठीक चल रहा है उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा देन अभी क्या करेंगे थर्टी फाइव माइनस टू इसको टू से मल्टीप्लाई होगा एनीथिंग फोर से मल्टीप्लाई जो भी होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा थर्टी फाइव माइनस टू पॉइंट टू एट टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर अपॉन सेवनटीन सही लिखा ना यहाँ एनीथिंग मल्टीप्लाई ज़ीरो तो जीरो ही हो जाएगा तो अभी देखते हैं हमारे पास वाई वन की वैल्यू क्या आएगी इसको अभी जब हम सेवेंटीन आई मीन थर्टी फाइव माइनस इसको माइनस टू पॉइंट टू एट फोर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास थर्टी टू पॉइंट सेवन वन सिक्स अपॉन सेवेंटीन या आया इसको कट कर देंगे इसको इससे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास वाई वन की वैल्यू आएगी वन पॉइंट नाइन टू फोर फोर चाहिए आपको अगर आसानी से नहीं कर पा रहा है आप कैलकुलेटर से कर लीजिए आप कर ले जा रहे तो अच्छी बात है फटाक से आप जितना टाइम कम बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो फटाक से कैलकुलेटर से ही करने का बस सिर्फ मेथड पे ध्यान रखना तो वाई वन की वैल्यू कितनी आई वन पॉइंट नाइन टू फोर फोर और एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास एक्स की वैल्यू है वन पॉइंट वन फो टू अभी हमको जेड निकालना है ना तो जेड वन निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू और यही वाई की वैल्यू पुट करेंगे न कि ज़ीरो क्योंकि अभी हमको ये मालूम है जहाँ पर नहीं मालूम तो वहाँ पर हम जीरो पुट के दें ओके तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं तो अभी देखिए हमको क्या लिखना है नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट क्या हमको सब्सटीट्यूट कौन सी वैल्यू पुट करनी है एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फोर टू ये हमारी एक्स की वैल्यू आई थी एंड वाई का भी अभी क्या आया वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन टू फोर इन इक्वेशन थ्री यहाँ पे तीन ही तीन ही पॉइंट तीन ही लिया है क्योंकि उसमें अब तीन ही था तो चलेगा इन इक्वेशन थ्री थ्री है ना हमारे पास जेड की इक्वेशन जेड थर्ड इक्वेशन से ही निकल रहा है ना तो थर्ड इक्वेशन जो मैंने पीछे लिखा था वही सेम लिख दूंगा ट्वेंटी एट माइनस यहाँ पे एक्स था तो एक्स वन पॉइंट वन फोर टू एक्स सिंगल एक्स था तो ठीक है फिर थ्री वाई था ना तो थ्री और वाई की वाई की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट नाइन टू फोर अपॉन टेन कर दूँगा अपॉन टेन ओके फिर जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट ज़ीरो एट सिक्स ये हमारा ये ये सॉल्व करने के बाद आया अपॉन टेन कर देंगे टेन वन जीरो टेन टू जरा ट्वेंटी वन बचाइए इधर गया टेन टेन वन जहा टेन ज़ीरो फिर टेन एट एटी फिर इधर जीरो लगाएंगे टेन सिक्स जा सिक्सटी तो वन पॉइंट टू पॉइंट वन ज़ीरो तो जेड की वैल्यू कितनी आई जेड वन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास टू पॉइंट वन ज़ीरो एट सिक्स ओके okay, अंडरस्टूड हमारे पास x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू आ गई दैट मीन हमारा यहाँ पर फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होता है अगर हमको सेकंड आइटरेशन भी निकालना है तो देखिए मैं सेकंड आइटरेशन तक बताता हूँ अब आपको अगर थर्ड भी निकालने बोले एग्जाम में कहीं कहीं पे सेकंड ओनली लिखा रहता है ओनली सेकेंड आइटरेशन ओनली टिल थर्ड आइटरेशन आपको उतना निकालना है तो देखिए अभी मैं सेकेंड आइट्रेशन का बता रहा हूँ यहाँ से हम सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट करेंगे सेकेंड आइटरेशन अभी देखिए अभी हमको एक्स निकालना है ना एक्स टू यानी तो अभी हम, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट तो एक्स निकालने के क्या करते हैं वाई और जेड की वैल्यू पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमको कितनी आई थी वन पॉइंट नाइन टू फोर जो अभी हम जो भी अभी रिसेंट वैल्यू जो अभी हमें मिली है वो डालने का एंड जेड इज इक्वल टू वाई वन और जेड वन की वैल्यू डाल देंगे डालने केेड की क्या अभी अभी मिली रिसेंट वैल्यू टू पॉइंट वन जीरो एट सिक्स जो भी, भी रिसेंट मिलती है वही सब डालने का हाँ जो भी जॉब भी अभी प्राप्त हुई है तो चलिए अभी इसको अभी हम एक्स टू यानी सेकेंड इटरेशन का एक्स हाँ अभी अभी क्या करेंगे इसको सब्सटीट्यूट करना है अभी इसमें पुट करेंगे तो देखिए अभी हमारी जो पीछे जो इक्वेशन दी हुई है इन, इन इक्वेशन वन ये हमारी एक्स निकालने की इक्वेशन वन है ना मैं लिख दिया तो देखिए अभी क्या दिया हुआ यहाँ पे थर्टी टू माइनस फोर ये है मैं पूरा इक्वेशन पहले लिख देता हूँ ताकि कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो प्लस जेड अपॉन ट्वेंटी एट ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है अभी इसमें हम पुट करेंगे हाँ एक्स टू इज इक्वल टू थर्टी टू माइनस फोर वाई की वैल्यू कितनी है वाई की वैल्यू वन पॉइंट नाइन टू फोर है वन पॉइंट नाइन टू फोर ठीक है फिर प्लस है प्लस फिर जेड जेड कितना है टू पॉइंट वन जीरो एट सिक्स अपॉन अपॉन कितना है अपॉन ट्वेंटी एट ठीक से बना देता हूँ अपॉन ट्वेंटी एट ओके अंडरस्टूड फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा एक्स टू इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री इसको सबसे पहले माइनस प्लस जो भी है वो कर लेंगे फिर अपॉन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट से उसको काट देंगे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे तो एक्स टू की वैल्यू हमको आ गई अभी हमको वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या सब्सिट्यूट करेंगे सब्सटीट्यूट एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री ये है एंड जेड की वैल्यू कितनी है जेड की वैल्यू अभी जो पुरानी थी वही टू पॉइंट वन जीरो एट सिक्स जेड की रिसेंट वैल्यू मतलब यही है ये ना लास्ट वैल्यू टू पॉइंट वन ज़ीरो एट सिक्स एंड सॉरी यहाँ लिख देते हो जेड इज इक्वल टू टू पॉइंट वन जीरो एट सिक्स इन द इक्वेशन इन द इक्वेशन टू सेकेंड वाई निकालने की इक्वेशन कौन सी सेकेंड ही थी ना पीछे हमने अभी तो वो सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे वाई टू इज इक्वल टू वाई टू इज इक्वल टू थर्टी फाइव माइनस टू एक्स माइनस फोर जेड आप इक्वेशन भी नहीं लिखोगे अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो भी चल जाएगा पूरा तो कन्फ्यूजन ना इसके लिए मैंने लिख दिया देन वाई वाई टू इजिकल टू थर्टी फाइफ माइनस टू एक्स यहाँ पे यहाँ पे एक्स है तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री ये हुआ माइनस फोर फिर जेड की वैल्यू कितनी दी है जेड की वैल्यू वन टू पॉइंट टू पॉइंट वन ज़ीरो एट सिक्स जेड की वैल्यू पुट कर दिए अपॉन ये कुछ भी नहीं है अपॉन सेवेंटीन अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे हाँ इसको पूरा माइनस प्लस करेंगे तो हमारी इस, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स सेवन नाइन अपॉन सेवेंटीन अब इसको जब कट करेंगे तो हमारी वाई टू सेवनटीन वन जो सेवन टीन यहाँ पे इससे ज़्यादा थर्टी सिक्स हो जाएगा तो ये इधर तो तो आ जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी वो सेवेंटीन फोर सा एंड सिक्सटी एट हुआ एंड फाइव, फाइव फाइव वन हाँ बराबर आप इसको कट कर लेना तो वाई टू इज़ इक्ल टू आप चाहिए तो अच्छे से कट करके कर देख लेना इसकी वैल्यू इतनी आएगी वाई टू इज़ इक्ल टू वन पॉइंट फोर फाइव वन वाई टू ये हमारी वाई टू की वैल्यू आई अब क्या निकालना है जेड जेड टू निकालना है अभी हमारे पास एक्स टू और वाई टू दोनों की वैल्यू है मतलब जो रिसेंट यही वैल्यू है ना एक्स की और वाई की तो अभी जेड निकालने में क्या बुराई है जेड भी आराम से निकलेगा एंड यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री एंड वाई इज इक्ल टू वन पॉइंट फोर फाइव वन कौन सी इक्वेशन में जो अभी अभी मतलब थर्ड इक्वेशन में निकालते हैं ना इन इक्वेशन थ्री ऐसा लिख देने का फिर जेड टू इज इक्वल टू ओ थर्ड वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ माइनस एक्स माइनस थ्री वाई अपॉन टेन अब जेड टू इज इक्वल टू ट्वेंटी एट माइनस एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री थ्री एक्स की वैल्यू है फिर माइनस क्या है थ्री मल्टीप्लाई में है फिर वाई वाई यहाँ पे है तो वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे वाई की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट वन पॉइंट फोर फाइव वन वन पॉइंट फोर फाइव वन ये वाई की वैल्यू है तो अपॉन टेन कर दिए ओके अभी इसको जब हम यहाँ से इसको ये करेंगे ट्वेंटी एट माइनस इसको आप कैलकुलेटर से करके देखना एकदम स्पीड में तो आपको इसके ये टोटल वैल्यू इसकी आएगी ट्वेंटी टू माइनस आई मीन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन जीरो थ्री सेवन ये वैल्यू आएगी अपॉन टेन फिर इसको टेन टू ज़ा ट्वेंटी हो जाएगा दो बचेगा फिर इधर इधर जाएगा टेन टू ज़ा ट्वेंटी इसको जीरो टेन टू ज़ा ट्वेंटी इधर जाएगा फिर दो इधर जाएगा तो ट्वेंटी सेवन हो जाएगा ना तो ये ट्वेंटी सेवन हो जाएगा तो फिर टू पॉइंट के बाद फिर टू या फिर ट्वेंटी होगा फिर सेवन बचेगा फिर टेन सेवन या सेवेंटी ज़ीरो लगेगा ना तो टेन सेवन या सेवेंटी इस तरीके से फिर ज़ीरो थ्री तो इसकी वैल्यू तो जेड टू की मतलब फाइनली वैल्यू इसको कट करके जो भी आया फिर इसको कट करके आपने जो भी अपॉन अपॉइंट करके इसकी फाइनल वैल्यू आएगी टू पॉइंट टू सेवन ज़ीरो थ्री ये हमारी जेड टू ये हमारा सेकंड एट्रेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों अच्छे से ट्राई कीजिए इसको प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको बहुत ही आसान लगेगा आप एक दो बार भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्टेप कैसा है इसका मेथड कैसा है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी शेयर विद योर फ्रेंड्स